किसान भाइयों नमस्कार राम राम मैं हूं आपका किसान दोस्त विद्युआ और आप देख रहे हैं इनोवेटिव फार्मर्स यूट्यूब चैनल किसान भाइयों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्रश कटर और जैसा कि आप देख पाएंगे यहां ब्रश कटर के काफ़ी सारे अटैचमेंट अवेलेबल हैं तो हम सर से बात करेंगे कि इनके पास जो ब्रश कटर हैं उस पर किस तरीके के अटैचमेंट अवेलेबल हैं और एक ब्रश कटर से आप कितने काम कर पाएंगे तो चले शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को तो सर आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार मेरे किसान भाइयों मेरा नाम है हर्ष गर्ग और हमारी जो कंपनी है वो है रासन नेग्रो इंजीनियर सप्रेमैन हमारा ब्रांड नेम है और हमारी जो कंपनी है वो तीस साल से भी ज़्यादा पुरानी कंपनी है जो किसानों की सेवा में लगी हुई है तो सर जैसे कि आपने यहाँ ब्रश कटर जैसे आप बता रहे हैं तो ब्रश कटर के साथ में काफ़ी सारे अटैचमेंट यहाँ अवेलेबल है तो आप हमें बताइए कि किस तरीके के अटैचमेंट है और किस तरीके के काम हम ब्रश कटर से कर पाएंगे जी सर मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी जो कंपनी है वो ब्रश कटर जो है वो काफ़ी वैरायटी में बनाती है कई मॉडल हमारे पास ब्रश कटर के हैं जिसमें कई तरीके के इंजन उपलब्ध हैं ब्रश कटर में भी हमारे पास ट्रॉली वाला अवेलेबल है बैक पैक वाला अवेलेबल है साइड पैक वाला अवेलेबल है ठीक है तो इसमें जो है अब हमारे पास काफ़ी वैरायटी किसान जो है वो अपने ज़रूरत के हिसाब से हमने उसकी सभी तरीके का जो रिक्वायरमेंट्स पूरी करने की कोशिश करी है तो अभी जो हमारे पास जो ब्रश कटर है वो हमारे पास बावन सी सी टू स्ट्रोक पचास सी सी फोस्टोक चालीस सी सी फोस्टोक अड़सठ सी सी टू स्टोक इस सभी पावर में है और इसमें जो है हमारी खुद का स्प्रे मैन का इंजन भी है और इसमें हमारे पास होंडा का इंजन भी है अगर कोई किसान भाई होंडा का इंजन लेना चाहता है तो सर जो अटैचमेंट है उनके बारे में आप थोड़ा सा बताइए जी हमारा जो ब्रश कटर है सर हमारे पास कई सारे अटैचमेंट है जिससे एक ही मशीन के साथ जो है वो पंद्रह सोलह काम हो जाए आसानी से तो मतलब हमें ये रहता है कि किसान के जो पैसे हैं वो पूरे वसूल हो जाएँ एक मशीन के साथ ही वो कई सारे अटैचमेंट लगा के कई सारे काम कर सकता है जैसे कि इसमें जो है हमारे पास जैसे ये वीडर अटैचमेंट आप देख सकते हैं कई साइज़ की है ये आठ इंच हो गई ये ग्यारह इंच हो गई ये सोलह इंच हो गई ये डिच्चर ब्लेड है मिट्टी चढ़ाने के ये डोटावेटा टाइप ब्लेड है जो नरम मिट्टी में काम करते हैं गुड़ाई करने के ये डीप लो वाले ब्लेड हैं जो पथरीली ज़मीन में काम करने के आते हैं इसमें क्या है कि जैसे पहले पत्थर ये चल के पहले जो पत्थर है उसको ऊपर निकाल देता है और फिर जो है बाद में पत्थरों को साफ़ करके आप गुड़ाई वगैरह कर सकते हो आसानी से तो उसके बाद इसमें जो है खाली ये तो गुड़ाई का सामान हो गया इसके साथ आप जैसे ये तीन दांत वाला ब्लेड लगा सक लगा कर जैसे ये देख सकते हैं आप ये तीन दांत वाला ब्लेड लगा के आप जो है अपने जंगली पौधे वगैरह जो है वो काट सकते हैं जैसे कि बांस वगैरह काटना है वो काट सकते हैं या जैसे सूखा वगैरह उग जाता है जो भी मतलब खाली खेत में या खाली प्लाट में जितने भी जंगली पेड़ पौधे उग जाते हैं उनको काटने के ये सक्षम है उसके बाद ये टू टीथ वाला ब्लेड है ये जो है जैसे गन्ना बांस वगैरह मक्का सखत चीज़ जो मोटी चीज़ होती है उसको काटने के लिए काम आता है ये हमारे पास जो है अस्सी टीथ वाला ब्लेड है ये धान गेहूँ चाटने के काम आता है उसके बाद इसके साथ आप बरसीम वगैरह हरा चारा वगैरह भी काट सकते हैं जो पशुओं को खिलाने के काम आता है उसके बाद हमारे पास जो आता है ये आता है वाटर पंप जिससे आप इसमें लगा के जो है वो पानी निकाल सकते हैं जैसे कि अपने खेत में से पानी निकालना है या आपके आस कोई तालाब है कोई पौंड है उसमें से पानी निकाल के अपने खेत में लगाना है उसके बाद ये आता है जी टैप एंड गो ये जो है ये घास काटने के काम आता है घास वगैरह जो है नरम घास वगैरह काटने के काम आता है उसके बाद ये चेन ट्रिमर है ये जो चेन ट्रिमर का काम है इसका जो है वो जैसे कि जितने हमारे ये जैसे ये काम तो ये वही करता है घास काटने वाला बट इसमें कैसे कि ये वायर जो है जैसे अगर कोई पत्थर वगैरह आ गए या मोटी टानी वगैरह आ गई ये वायर ख़राब हो जाती है तो इसको बार बार बदलना पड़ता है तो हमारे किसान भाइयों की शिकायत होती है कि लागत बहुत बढ़ती है बार बार बदलने की तो इसलिए हमने ये चैन वाले बना दिया तो इससे क्या है कि ये कोई सख्त चीज़ कोई मोटी टहानी वगैरह भी आएगी तो उसको भी ये काट देता है और दूसरी बात है ये जल्दी इसकी रिप्लेसमेंट नहीं आती है तो इसका मतलब ये बाद का खर्चा मेंटेनेंस वगैरह बहुत कम है उसके बाद ये छः टीथ वाला ब्लेड है जो ये छः टीथ वाला ब्लेड है ये क्या काम करता है कि ये जो जैसे घास वगैरह ही काटने के काम आता है ये जैसे हमारे ईंटें हैं कोई कॉर्नर है उसमें काटने के ये आसानी से काम आता है उसके बाद ये चैन सा लग जाता है जैसे कि आपको कोई पेड़ की टानी वगैरह काटनी है छोटी मोटी ये नौ इंच का तकरीबन होता है तो पेड़ की कोई छोटी मोटी टहानी वगैरह काटनी है ये सभी चीज़ों के काम में आता है उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास ये स्प्रे पंप अटैचमेंट है जो इसी ब्रश कटर के पीछे ये ऐसे लग जाती है ये खोल के तो इससे क्या है कि कोई किसान भाई स्प्रे का काम लेना चाहता है तो ले सकता है मतलब आप देख सकते हैं कि इतनी सारी अटैचमेंट जो है ये एक ही मशीन एक के साथ लग जाती है तो हमने जो अपनी मशीनें इस हिसाब से बनाई हैं कि एक मशीन के साथ काफ़ी सारे काम हो जाए जिससे इस मशीन की जो लागत है वो कम रह जाएगी सर उसके बाद आपका जो बेस्ट कटर है उसका जो इंजन है उस इंजन के बारे में आप थोड़ा सा बताइए जी हमारे पास जैसे कि आप देख सकते हैं जी ये बावन सी सी टू स्ट्रोक का इंजन है टू स्ट्रोक मतलब इसमें पेट्रोल में टूटिया डालना पड़ता है ये डेढ़ हॉर्स पावर का इंजन है उसके बाद हमारे पास ये चालीस सी सी का इंजन है ये स्प्रे मैन का ही चालीस सी सी का फोर स्ट्रोक इंजन है फोर स्ट्रोक इंजन मतलब खाली पेट्रोल डलेगा इसके अंदर कोई टूटियल नहीं डलेगा मुगल जो नीचे इंजन में जैसे मोटरसाइकिल वाला सीधी सीधी भाषा में समझाएं ये हो गया स्कूटर वाला इंजन ये हो गया हमारा मोटरसाइकिल वाला इंजन अब इसमें फर्क क्या क्या आता है कि टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक में टू स्ट्रोक में जो है वो इसकी कीमत कम होती है इंजन की जो कॉस्ट है वो सस्ती होती है और बट इसमें एक दिक्कत ये है कि इसकी तेल की खपत बहुत ज़्यादा है ये घंटे का सवा लीटर से डेढ़ लीटर तेल की इसकी खपत रहती है और आज के टाइम में आपको जैसे पता ही है कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है तो इस चीज़ का एवरेज का बड़ा देख के चलना पड़ता है अगर हम यही फोस्टो की बात करें डेढ़ हाउस पावर की यह चालीस सी है वह डेढ़ हाउस पावर है तो इससे जब आ, बात करें तो इसकी जो खपत है वो मात्र 400 से 500 सौ एम है प्रति घंटा तो तकरीबन तकरीबन आप देख सकते हैं कि एक लीटर के आसपास का अंतर आता है सौ रुपये का एक घंटे के अंदर खपत का फर्क आता है जी बट इसी का ये है कि ये फोस्टो का इंजन थोड़ा महंगा पड़ता है अब दूसरी बात कई किसान भाई कहते हैं कि जैसे ये बावन सी का है जी टू स्ट्रोक तो इसकी पावर ज़्यादा होगी चालीस सी सी फोस्ट चौक की पावर कम होगी सी सी जो है वो डिसप्लेसमेंट से बनती है बट अगर हम इसकी हॉर्स पावर की बात करें तो ये जो बावन सी सी टू स्ट्रोक है ये भी डेढ़ हॉर्स पावर का है और ये जो चालीस ई सी फोस्ट चौक है ये भी डेढ़ हॉर्स पावर, पावर का है ये डेढ़ हॉर्स पावर का कैसे हो गया क्योंकि टू स्ट्रोक के जो आर पी एम होते हैं वो कम होते हैं ये छः साढ़े छः हज़ार आर पी एम मैक्मम होते हैं जबकि ये फोर चौक आर के जो है वो दस हज़ार आर होते हैं तो मतलब दस हज़ार आर तो तकरीबन डेढ़ गुना ज़्यादा चक्कर होने की वजह से काम जल्दी ख़त्म होता है ब्लेड की रफ्तार ज़्यादा तेज़ रहती है जो आसानी से काट देती है और तेल की खपत कम रहती है और कम सी में ज़्यादा पावर आती है अब उसके बाद हमने ये पचास सी का इंजन रखा है जी ये जो पचास सी का इंजन है ये फोर चौक में है और इसकी जो पावर है वो दो हॉर्स पावर है और इसकी जो तेल की खपत है वो भी जो है वो पाँच ग्राम है आधा लीटर पचास ई से क्या काम हुआ पचास ई के इंजन की क्यों जरूरत पड़ी वो इसलिए ज़रूरत पड़ी कि कटिंग का जितने भी ये सारे काम है इसके लिए चालीस ई जो फोर स्ट्रोक है या बावन ई टू स्ट्रोक है ये बहुत ही ज़्यादा सफिशेंट है और इसमें पावर की जरूरत नहीं पड़ती बट जब हम बात करते हैं ये रोटावेटर की जैसे कि हमारी ये एक अटैचमेंट है ये रोटावेटर की ये देखिए अब इसमें 24 ब्लेड आ गए ठीक है तीन इधर तीन इधर अब 24 ब्लेड को जब घुमाने की ज़ोर बहुत लगता है या सोलह इंच का इतना चौड़ाई ब्लेड घुमाने की जोर बहुत लगता है, बहुत लगता है। तब कई किसान भाइयों की शिकायत होती थी कि सख्त मिट्टी में ये चालीस ई सी वाला या बावन ई सी वाला दब जाता है इसलिए हमने पचास ई सी दो हॉर्स पावर वाला निकाला है इंजन जिसमें जब ये डोटा वोटा कि हम कोई भी अटैचमेंट लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है और आसानी से जो है वो दमदार इंजन रहता है इंजन गर्म भी नहीं होता है और फोर स्ट्रोक इंजन की सबसे बड़ी खासियत यह कि आप इसको लगातार जो है चार से पाँच घंटे चला सकते हैं जबकि टू स्ट्रोक को है वो एक डेढ़ घंटा चला के अरेस्ट दिलवानी पड़ती है सर उसके बाद जैसे हम ये जानना चाहें किसान भाई जैसे कि किसान भाइयों को लगता है कि हम ब्रश कटर ले रहे हैं तो सबसे मेन चीज़ रहती है कि जैसे किसी को बेक पैक चाहिए या फिर किसी को अपने साइड पैक वाला चाहिए तो कौन से काम के लिए हमें साइड पैक लेना चाहिए या फिर कौन से काम के लिए हमें बैक पैक लेना चाहिए जी है, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया किसान भाई अक्सर इन चीजों में बहुत सारी वीडियो देख के उलझ जाते हैं कि हम कौन से वाला ब्रश कटर लें हम बैक पैक वाला लें या साइड पैक वाला लें कोई साइड पैक अच्छा बोल रहा है कोई बैक पैक अच्छा बोल रहा है तो मैं अपने किसान भाइयों को राय देना चाहता हूँ कि अगर तो आपने खाली कटिंग का काम लेना अपने धान गेहूँ की कटिंग करनी है अपने हरे चारे की कटिंग करनी है घास की कटिंग करनी है फिर तो आप जो है वो साइड पैक वाला लें आपको बैक पैक की कोई जरूरत नहीं है साइड पैक से आपका बहुत ही बढ़िया काम हो जाएगा आपको और इसके ऊपर पैसे लगाने की जरूरत नहीं

फिर आपको बैक पैक लेना पड़ेगा अगर आपको खाली इनमें से कोई अटैचमेंट लगानी है फिर आप साइड पैक ले सकते हैं जी उसके बाद सर जैसे आपका जो ट्रॉली वाला जो ब्रश कटर वगैरह है उनके बारे में भी आप थोड़ा समझते हैं जी सर हमारे पास यही जो है इंजन ट्रॉली ब्रश कटर में भी है जिसमें ऐसे टायर लग जाते हैं टायर लगा के जो है ये इसमें जैसे हम अपने कटिंग का काम लेना है घास वगैरह की या हमने गुड़ाई का काम लेना है और कोई किसान भाई चाहते हैं जैसे ओल्ड एज होते हैं या छोटे होते हैं वो चाहते हैं कि हम बैक पे ना उठा पाए हमारे पास जगह है जहाँ पे ट्रॉली घुस सकती है तो वहाँ पे उनके लिए वो ट्रॉली ब्रश कटर ले सकते हैं जिसमें गुड़ाई करना भी आसान है और पीठ पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है बाकी सारे काम वो वैसे ही करते हैं जैसे ये चीजें करती हैं। जी और ऊपर से अगर कोई किसान भाई चाहता है कि वो होंडा का इंजन लगाना चाहता है तो वो होंडा का इंजन भी लगा सकता है वैसे हमारे और होंडा के इंजन में जो है वो अभी तो हमने काफ़ी अपने इंजन को प्रूव करके होंडा के बराबर ले लिया है बट फिर भी होंडा में दो तीन चीज़ों की एक्स्ट्रा खूबियाँ हैं वो ये है कि एक तो इसकी जो लाइफ है वो बारह से पंद्रह साल की है इंजन की और दूसरा इसकी जो तेल की खपत है वो हमारे इंजन से सौ ग्राम कम है तो मतलब दस रुपये की बचत एक घंटे में किसान भाई को मिलती है और दूसरी तीसरी बात जो इसकी जो है आवाज़ भी जो है हमारे इंजन से थोड़ी कम है जी तो बाकी और जो है बाकी परफॉर्मेंस वाइज पावर वाइज वो सारी चीज़ें हमारे इंजन जैसी ही हैं कोई फ़र्क नहीं है सर जैसे कि आपने अपनी निराई गुड़ाई के लिए काफ़ी सारे इक्विपमेंट आपने बताए हैं लेकिन एक जो आपकी इक्विपमेंट है वो हमें थोड़ी अलग दिखाई दे रही है तो उसके बारे में आप थोड़ा सा जी सर जितने जैसे जितने भी है ये तो गुड़ाई वाले जो अटैचमेंट है ये सारे जैसे ब्लेड अलग अलग डिज़ाइन के हैं ये जो है ये इस तरह से मोशन करते हैं तो इसमें क्या होता है कि मिट्टी अगर हार्ड है तो इसमें जो है वो डले बनते हैं मिट्टियों के और ये थोड़ा जंप करते हैं वाइब्रेशन थोड़ी सी रहती है थोड़ी सी तो इस वाइब्रेशन को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए और ये जंप ना लगने के लिए हमने ये जो है ये रोलर ब्लेड अटैचमेंट बनाई है ये रोलर ब्लेड अटैचमेंट औरिजिनली ये जो है ये ताइवान का डिज़ाइन था जिसको हमने मंगाया था तब ये साढ़े चौदह हज़ार की हमें पड़ी थी खाली इतना पीस मंगवाया हमने इसको देखा और इसको इंडिया में तैयार किया अब ये देखिए आप इसको देख सकते हैं ये इंडिया में हमने तैयार किया है ये जो है ये ऐसे गोल गोल घूमती है गोल गोल घूम के ये जो है ये मल्चिंग का काम करती है मतलब जितना भी घास फूस है उसको बीच में ही मिक्स कर देती है और ये मिट्टी के अंदर खुब जाती है और इसमें वाइब्रेशन नहीं रहती है ये ना ऐसे जंप करता है ना डले बनते हैं ऐसे गोल गोल घूमने की वजह से इसके चक्कर इसके आर रोटेशन भी ज़्यादा है तो मिट्टी का बारीक चूड़ा होता है आपको डले वगैरह की शिकायत नहीं मिलती है इसको थोड़ा चलाना आसान है वाइब्रेशन कम है मल्चिंग का काम अच्छा है और इसकी गढ़ाई जो है वो ज़्यादा बेहतर है बट इसमें जो है ये साइज जो है वो ग्यारह इंच ही आता है उसके बाद सर जैसे कि ये जो आपकी अटैचमेंट है जैसे हम देख पा रहे हैं इसे अक्सर हमने देखा है हमारे जो मिनी टिलर होते हैं उनके ऊपर हम अटैच करते हैं तो इसके बारे में आप बताइए हम इसे ब्रश कटर के ऊपर कैसे यूज़ करें जी सर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने जो हमारा पचास सी सी का जो है दो हॉर्स पावर का इंजन जो है वो बड़ा पावरफुल इंजन बनाया है तो इस पावरफुल इंजन में हमारे पास इतनी ताकत है कि आप जो बड़े पावर टिलर के जो ब्लेड होते हैं ये होता है धान में चलाने के लिए जैसे कि हमारे वेस्ट बंगाल में झारखंड छत्तीसगढ़ में वहां पे पानी बहुत खड़ा है, तो है व्हील की जरूरत पड़ती है तो उसके साथ, ये, ये तो साथ अटैचमेंट भी लगा सकता है जिससे वो जो है धान में भी जो है अपनी रोपाई वगैरह आसानी से कर सकता है उसको कोई और अटैचमेंट लेने की जरूरत नहीं है या उसको अपने हाथ से मतलब इसी ब्रश कटर से वो धान में रोपाई भी हो सकती है तो ये जो हमने जी ये हमारा जो है 50 सीसी के साथ ये हमारा जो है वो आ, सोया कटर मशीन है ये क्या है कि ये घास वगैरह भी काटती है और जो सोयाबीन जैसे हमारे महाराष्ट्र मध्य प्रदेश तेलंगाना साइड सोयाबीन लगती है तो वहां पे जो है वो कटिंग की बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि सोयाबीन की हाइट होती है छोटी और उसमें रिपर जो है वो काट के वो उलझ जाते हैं बीच में तो उसके लिए हमने सोयाबीन रिपर बनाया है मिनी रिपर बोलते हैं इसको ये इसको आप आसानी से ऐसे धक्का लगा के चलाते रहेंगे ब्लेड इसके आगे डबल साम में काटते रहते हैं और ये काट के जो है फसल को वहीं गिरा देता है घास वगैरह वगैरह काट के इसके में में जो है 50 ई का दो हॉर्स पावर का इंजन लगा है और ये जो 26 इंच का मतलब तकरीबन ढाई फीट का हमने इसे दो फीट सवा दो फीट का हमने इसके अंदर आगे ब्लेड लगाया तो सवा दो फीट एरिया ये एक बार में काटता हुआ चला जाता है तो सर जैसे कि एक चीज़ मुझे आपके ब्रश कटर में यूनिक दिखाई दे रही है कि आपने एक कुछ एक ऐसा मीटर का कुछ डिवाइस लगाया है तो ये क्या चीज़ है और इससे किस तरीके से इसका फ़ायदा होगा उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए जी सर सर हमने जैसे हम आपको बताया कि हम जो है छोटे किसानों की भलाई के लिए हम काम करते हैं तो हमारे किसान भाइयों का अक्सर सवाल होता था कि सर फोर स्ट्रोक इंजन ले, ले लेते हैं ठीक है इसके पेट्रोल के अंदर टूटियल नहीं डलता तो जो मोबिल है वो चेंज करना होता है तो चेंज करने के लिए उसका सर्विस का टाइम भी होगा और सर्विस का जो टाइम है उसका हिसाब कैसे रखे कि भाई इतने घंटे के बाद से पहली सर्विस दस घंटे पे करनी है तो हम कैसे हिसाब रखें कि दस घंटे कब हो गए अगर आगे निकल गए तो इंजन का तेल ना बदला तो लाइफ खराब हो जाती है तो इस चीज़ के लिए जो है हमने किसान भाइयों के लिए ये हमने मीटर लगाया है ये आवर मीटर इसको डिजिटल मीटर है ये जो है ये इंजन के साथ साथ चलता है जितनी बार इंजन स्टार्ट होगा जितनी देर इंजन चलता रहेगा चाहे काम कर रहा है चाहे खड़ा है खड़े मतलब भी कोई काम नहीं कर रहा इंजन खाली रन कर रहा है उतनी उतनी देर ये मीटर जो है वो रीडिंग लेता रहेगा तो जैसे जैसे इंजन के प्लग में करंट आता रहेगा वैसे वैसे ये रीडिंग लेता रहेगा और इसमें जो है किसान भाई को पता लगता रहेगा कि उसकी इतनी देर जो है मशीन चल गई है और इतनी देर पर उसको सर्विस करने का जो है वो अपना टाइम आ गया तो इस मीटर की मदद से किसान भाई को बहुत फ़ायदा होता है सर्विस कॉल है इसको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है रीडिंग देख के वो सर्विस कर सकता है और इससे उसको अपने इंजन की लाइफ का भी पता लगा रहता है कि उसने मशीन जो है इतनी देर चला ली है। जी उसके बाद सर जैसे मैं आपको जो बेक, बेक ब्रश कटर है उसमें एक यूनिक चीज़ देख पा रहा हूँ कि जैसे अक्सर हमने देखा है कि ये यह यहाँ जो पार्ट बना हुआ है जो वो अक्सर प्लास्टिक का हम देखते हैं तो इसमें कुछ यूनिक है तो उसके बारे में आप थोड़ा सर मार्केट में जितने भी लोग जैसे ब्रश कटर वगैरह करते हैं वो पोर्टेड चाइनीज से मंगा के जो है वो बेचते रहते हैं हल्की क्वालिटी मंगवाते हैं और वैसे का वैसा ही आगे बेच देते हैं हमने जो ब्रश कटर अपने जैसे ये जो इंडिया में फ्रेम वगैरह सारे तैयार करे हैं ये हमने किसानों को देखते हुए रखे हैं जिसमें आप ये देख सकते हैं ये बकल वगैरह जो है ये सारे निकल कोटेड हैं फ्रेम जो है ठोस पाइप का है ये ऊपर हमने टूल किट वाला बैग दिया है जिसमें वो चाबी पाना इसमें साथ ही रहता है आप पीछे से भी देख सकते हैं जो हमारा फ्रेम वगैरह की ये कुछ नहीं है ये शॉफ्ट क्वेश्चनिंग दी है बेल्टे जो है वो लंबी दी हैं पीठ पूरा कवर करता है और इसमें जो हमारा इंजन है वो थ्री शॉक वाइब्रेशन पे है अभी आप देखिए अपना इंजन जो है वो हिलता जा रहा है और जो स्टैंड है जिसका किसान भाई की ऐसे पीठ पे लगा होगा जैसे ये हमने स्टैंड लगा हुआ है अब ये वाला हाथ देखिए मेरा स्थिर है और ये इंजन देखिए पूरा हिलता रहेगा तो ये जो हमने स्टैंड है ये एंटी वाइब्रेशन बनाया कि इंजन जो है वो वाइब्रेट करता रहे जंप करता रहे इधर उधर हिलता रहे जो स्टैंड है और नीचे हमने तीन स्प्रिंग लगा के शॉकर की तरह काम लेते हुए जो किसान हमारा चला रहा है या कोई भी हमारा ऑपरेटर चला रहा है उसकी बैक पे बिल्कुल भी वाइब्रेशन ना रहे इस चीज़ की इंजन की वाइब्रेशन या इंजन की हीट अब सैलेंसर भी इस साइड है बाहर की तरफ है पीठ की तरफ नहीं है तो ना हीट इंजन के जो चलाने वाला उसके ऊपर जाए ना वाइब्रेशन जो मशीन की है वो उसके ऊपर चलाए तो हमारा ये जो बैकपैक हमारे वाले डिज़ाइन का ब्रश कटर अगर कोई किसान भाई चलाता है तो वो उसको आसानी से दो तीन घंटे बिना थके बिना वाइब्रेशन महसूस हुए वो चला सकता है इसमें यह बहुत बड़ी ख़ूबी है तो सर उसके बाद जैसे हम देखना चाहेंगे अगर आपसे कोई किसान भाई ब्रश कटर परचेज़ करता है तो साथ में आप कौन कौन से इक्विपमेंट देंगे उनके बारे में आप बताइए जी सर हमारे मॉडल वाइज जो है अलग अलग मॉडल में अलग अलग ब्लेड आते हैं जैसे कि जो हमारा ये साइड पैक ब्रश कटर है इसके अंदर हम जो है ये चार ब्लेड एक ये एट्टी टीथ वाला एक ये थ्री टीथ वाला एक ये स्ट्रेट वाला ब्लेड और एक ये नाइलॉन वाला ब्लेड ये चार ब्लेड हम जो है किसान भाई को साथ में देते हैं और अगर वो किसान भाई कोई बैकपैक ब्रश कटर लेता है तो इन चार ब्लेड के अलावा उसको हम ये कोई भी एक विदर अटैचमेंट चाहे आठ इंच हो चाहे ग्यारह इंच हो चाहे सोलह इंच हो चाहे ग्यारह इंच में ये छोटा विदर टिलर वाले ब्लेड हो या ये डीप लो सरिए वाले ब्लेड हो तो वो ले सकता है एक अटैचमेंट इनमें से तो मतलब उसमें साइड पैक में चार आ गई और बैक पैक में पाँच आ गई उसके बाद सर जैसे आप एक तो इनकी प्राइस बताइए कि आपके जो ब्रश कटर हैं इनकी प्राइस कितनी है जी जो हमारे ये ब्रश कटर है उसको जो है हमने किसानों को सोचते हुए बड़े ही वाजिब रेट में हमने इसको ब्रश प्राइस रखा है तो जो हमारा जो ये है बावन सी सी टू स्ट्रोक के साथ अगर कोई किसान भाई ब्रश कटर लेना चाहता है साइड पैक वाला वो उसको पड़ेगा साढ़े ग्यारह हज़ार का उसके बाद अगर ये चालीस सी सी फोर स्ट्रोक में कोई लेना चाहता है तो चार ब्लेड के साथ ये जो हमारा साइड पैक वाला ब्रश कटर है और एक ये जो है हम गैदर भी साथ में देंगे जिससे जो किसान भाई है वो काट के एक तरफ गिराता रहेगा तो ये पांच चीजें जो इसके साथ आपको पड़ेंगी साढ़े तेरह हजार का अगर कोई किसान भाई इसमें पचास सी सी दो हॉर्स पावर का इंजन लेना चाहता है वैसे ज़रूरत नहीं है साइड पैक में बट अगर कोई किसान भाई फिर भी चाहता है कि हमने पावर ज़्यादा रखनी है तो वो ले सकता है तो वो पड़ता है उसका जो साढ़े पंद्रह हज़ार दो हज़ार का इंजन का अंतर है वो महंगा पड़ता है पचास सी का और अगर कोई किसान भाई पचास सी सी फोस्ट चौक बैक पैक लेना चाहता है तो जो बैक पैक वाला ब्रश कटर है उसके अंदर जो है हम ये चार ब्लेड एक ये थ्री टीथ वाला एट्टी टीथ वाला ये टूटी वाला ब्लेड और ये घास काटने वाला ब्लेड ये जो चारों ब्लेड और एक अटैचमेंट टिलर वाली जिसमें हम आठ ग्यारह सोलह कोई भी अपनी एक अटैचमेंट वो ले सकते हैं ये जो मशीन है ये पड़ती है उन्नीस हज़ार की उन्नीस हज़ार की पड़ती है अगर कोई किसान भाई ये सर्विस मीटर वाला साथ में लेना चाहता है तो इसकी पाँच सौ रुपये कास्ट एक्स्ट्रा है वो ये मीटर अपने किसी भी इंजन पर लगवा सकता है तो पाँच सौ रुपये उसको एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ेगी और ये जो चीज़ है ये पचास ए सी वाला उन्नीस हज़ार का पड़ेगा बट मैं इसमें किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि अगर हमें कोई भी जो हमारा किसान भाई है आपके चैनल को सब्सक्राइब करके इनोवेटिव फार्मर को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीन शॉट हमें देता है तो उसको जो है हम अपनी सबसे से किसान भाई के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं ताकि जो किसान भाई हैं वो हमारे इस जैसे ये जितना भी हमारा ये कोरोना इस बार बहुत हुआ किस जगहों पे बारिशें बहुत हो गई फसल ख़राब हो गई तो उसकी राहत समझ के जो है किसान भाई कोई भी हमारा जो पचास सी बैक पैक उन्नीस हज़ार वाला जो मॉडल अगर कोई लेगा जिसमें चार ब्लेड और एक टेलर है तो उसको हम साथ में किसान भाई को या तो वो हमसे चैन सा ले सकता है जी। जिसकी कीमत बाजार में कोई 2500, 3000, कोई 2500 का दे रहा है कोई 3000 हज़ार करता है ये चैन सा ले सकता है या जब कोई ये वाटर पंप, जो पानी निकालने के काम आता है इन दोनों में से कोई एक अटैचमेंट वो फ्री में ले दे सकता दे, है तो अगर हम सोचें अगर आप ये अटैचमेंट बीच में कंसीडर करें उन्नीस हज़ार में से अगर 2500 कम करें तो ये जो हमारी मशीन की अगर लागत सोची जाए तो वो 16 सत्रह हज़ार के आसपास ही पड़ जाती है साढ़े सोलह हज़ार की जो मशीन की लागत पड़ती है अगर हम सोचते कि इतने रेट में मार्केट में किसी में भी 50 सीसी का पोस्टर का कोई भी ढूंढना चाहे नहीं मिलेगा तो ये जो है हमने किसान भाइयों के लिए कहा है कि आप भी इतनी दूर से आए हैं तो कोई भी इनोवेटिव फार्मे का हमें स्क्रीन भेजेगा तो हम ये दो अटैचमेंट में से कोई एक अटैचमेंट उसको एक्स्ट्रा फ्री मिलेंगे तो कुल चार ब्लेड पाँचवा गैजर छठा वीडर और सातवां इनमें से कोई अटैचमेंट फ्री तो सात अटैचमेंट जो है वो किसान भाई को उन्नीस हज़ार के अंदर मिलेगी जी तो सर जैसे आप थोड़ी सी इनके अलग से रेट बताएं जो अलग प्रोडक्ट हैं जिन्हें फार्मर को अलग से परचेज़ करना होगा तो उनकी रेट कितनी है वो आप थोड़ा जी सर जैसे कि हमारा ये जो चैन ट्रिमर है अगर कोई किसान भाई चाहता है कि वो चैन ट्रिमर लेना चाहता है तो इसकी जो कीमत है वो है साढ़े आठ सौ रुपये ठीक है अगर कोई हमारा ये जो किसान भाई है ये सिक्स वाला ब्लेड लेना चाहता है ये सिक्स वाला जो ब्लेड है ये साढ़े छः का है अगर कोई किसान भाई हमारी ये डिचड़ वाली अटैचमेंट लेना चाहता है ये डिच्चड़ वाली अटैचमेंट क्या है जैसे हल्दी गन्ने वगैरह में ये मिट्टी चढ़ाने पे बेड के ऊपर मिट्टी चढ़ाने के अंदर काम आती है ये जो अटैचमेंट है ये पड़ती है पैंतालीस सौ रुपये की साढ़े चार हज़ार की ये अटैचमेंट पड़ती है और अगर कोई किसान भाई आपने जो है वो रोलर ब्लेड वाली अटैचमेंट देखी थी वर्ड टिलर वाली वो अगर कोई अटैचमेंट लेना चाहता है वो पड़ती है तिरपन की पाँच हज़ार तीन सौ की और जो हमारी अगर कोई पेडी व्हील वाली अटैचमेंट लेना चाहता है ये पड़ती है अट्ठावन सौ की जी और इसके अलावा अगर कोई किसान भाई और भी कोई अटैचमेंट लेना चाहता है या मशीनरी ले सकता है तो वो हमें व्हाट्सअप करना कर सकता है हमारी कंपनी के जो नीचे दिए हुए नंबर हैं इनके ऊपर किसी के नंबर के ऊपर आप कॉल कीजिए अपने जो भी आपका क्वेश्चन है वो पूछिए अगर नंबर बिज़ी आ रहा है तो आप घबराइए मत आप उसको जो है व्हाट्सअप हमें करें मैसेज करें और हम उसके ऊपर आप अपना लिख दीजिए कि ब्रश कटर की डिटेल चाहिए तो हम आपको पूरा उसका मशीन उसके साथ क्या अटैचमेंट के क्या क्या अलग अलग रेट है वो सारा हम आपको किसान भाइयों को भेज देंगे तो सर जैसे कोई परचेज़ करना चाहे तो उसकी प्रोसेस भी आप थोड़ी सी बताइए परचेज़ करने का सीधा सा, सीधा सा हमने तरीका रखा है सिंपल हमारे किसान भाइयों के लिए नीचे दिए हुए नंबर किसी पे भी फ़ोन करें या व्हाट्सएप करें अपनी जो भी जानकारी है वो लें अगर वो संतुष्ट होते हैं तो वो हमारी कंपनी से अकाउंट नंबर मांग सकते हैं उस कंपनी के दिए हुए अकाउंट में आपने दो हज़ार ट्रांसफ़र करके हमें उस चीज़ का स्क्रीन देना है या उस रसीद देनी है ताकि हमें पता लगे कि वो दो आपका है क्योंकि बहुत सारे किसानों के पैसे आ जाते हैं तो पता नहीं लगता कि इस किसान के क्या पैसे हैं तो उसके बाद हमें अपना पता दें पता वो इंग्लिश में दें अगर वो नहीं दे सकते तो हमें आधार कार्ड के पीछे की फ़ोटो भेजें दें जहाँ पर एड्रेस लिखा होता है हम वहाँ उस एड्रेस के ऊपर मशीन भेजेंगे जब मशीन नज़दीकी ट्रांसपोर्ट ऑफिस में पहुँच गई तो जो है किसान भाई जो है वो अपना बाकी का पैसा दे के अपनी जो हमें बोल देगा कि पैसा देगा हम कुरियर वाले को बोल देंगे जी भैया पूरे पैसे आ गए मशीन आप किसान भाई को छोड़ें जी तो सर आप काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट लेके आए हैं किसान भाइयों अगर आप इसके बारे में डिटेल्स से जानकारी लेना चाहते हैं तो सर ने सारा कुछ बता दिया आप सर के नंबर पे कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें साथ ही दूसरे किसान बैठे इस वीडियो को शेयर जरूर करें मिलेंगे इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद